हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आज हम सिंपल इंटरेस्ट की क्लास सेकंड के ऊपर बात करने वाले हैं। कल हमने क्लास फर्स्ट के ऊपर बात किया था और कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें या बेसिक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किए थे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जहाँ पर अधिकांश स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, या कह सकते हो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाता है लैंग्वेज वाइज, जिससे कि हमें थोड़ी सी समझने में दिक्कत होती है और हम गलती कर बैठते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हम लोग कल से कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगले 4 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये मान के चलिए कि अगर ये 4 दिन आपने कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक से पढ़ा तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली। सिंपल इंटरेस्ट बेसिक होता है, ज़्यादातर लोगों को समझ में आ जाता है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अगले 4 दिन तक साथ में बने रहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी दिक्कत नहीं होगी इसके बाद। चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे कह रहा है 1750 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग का 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। तो प्रत्येक भाग पर ब्याज ज्ञात करें, कितना ब्याज मिल रहा होगा प्रत्येक भाग पर, हमें यह बताना है। चलिए समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है आपसे क्वेश्चन। देखिए आपसे कह रहा है 1750 रुपए हैं आपके पास, इसको आपको 2 भागों में विभाजित करना है। 2 भागों में आप किसी भी भाग में विभाजित कर सकते हो। मान लेते हैं पहला भाग हमने x मान लिया, तो कहोगे दूसरा भाग होगा 1750 माइनस एक्स। ठीक है, 2 भागों में हमने इसको विभाजित कर लिया। पहले भाग को 8% के पर दे रहा है और दूसरे भाग को 6% पे दे रहा है। और फिर से कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट होगा कितना? अच्छा, इन दोनों का देखते हैं जरा। इसका सिंपल इंटरेस्ट देखोगे तो कहोगे x मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1/100। 1 हमने टाइम को इसलिए लिया है क्योंकि इसने समय की बात नहीं की है, तो हमने अपने मन से समय को 1 साल ले लिया। आप चाहो तो 2, 3, 4 साल भी ले सकते हो। सेम एज इस तरफ लिखोगे तो हम लिखेंगे 1750 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1/100। क्लियर है? 1750 माइनस एक्स इंटू 6 इंटू 1/100, और इनको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स का जो वैल्यू आपके सामने निकल के आएगा वो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे। x का वैल्यू आ रहा होगा 750। अगर x का मान होगा 750 तो 1750 माइनस x का मान होगा 1000। ठीक है, तो ये दो है मूलधन की। 1750 रुपए की धनराशि को 750 और 1000 में तोड़ा जा सकता है। अब आप समझो ध्यान से बात को, अगर 750 और 1000 में तोड़ा गया तो आपसे पूछ रहे ब्याज, यानी कि ये जो दो नीचे वैल्यूज आपने लिखी हुई हैं सिंपल इंटरेस्ट की, पहली और ये दूसरी, इन दोनों में से किसी को भी एक को सॉल्व करके अपना आंसर बताया जा सकता है। मैं पहली वाली वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें बराबर एक्स इंटू 8 इंटू 1/100। एक्स की जगह पर आपने 750 पुट किया, मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1/100। सॉल्व करोगे और आपका आंसर होगा यहाँ पे 60। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ब्याज है वो कितना आ गया है, 60 रुपये आ गया है, और ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। देखो साधारण ब्याज में जो क्वेश्चन बनते हैं वो लैंग्वेज वाइज ही बनते हैं, हो सकता है थोड़ा सा चेंज कर दे और फिर क्वेश्चन में कुछ घूम जाए। हमें बस लैंग्वेज पकड़ के चलना है और चलते जाना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ में। किसी राशि पर 12 वर्षों में 1200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। आपसे कह रहा है कि 12 वर्षों में 1200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मान लो ये प्रिंसिपल है और ये है अमाउंट। 12 वर्षों में 1200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो आप कह सकते हो 1 साल में 100 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा होगा। ठीक है, पहली लाइन का मतलब है ये। अगले चलते हैं। यदि मूलधन को 4 वर्षों के बाद 3 गुना कर दिया जाए, अगर मूलधन 3 गुना किया जाएगा तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। 4 वर्षों के बाद किया जा रहा है, इसका मतलब पहले 4 वर्षों तक ब्याज तो 100 ही रहेगा, 1 वर्ष का ब्याज 100, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का भी। पर अब अगले बचे हुए वर्षों में, यानी कि 12 वर्ष की बात करें तो अब अगले 8 वर्षों में
ब्याज जो होगा वो 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि मूलधन इसने कितने गुना कर दिया है, 3 गुना। तो 100 का 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 300। सॉल्व करोगे ये होगा 400 प्लस 2400, ऐड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2800। आपसे पूछ रहा है तो बताएं 12 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा, तो हमारा अब आंसर हो जाएगा 2800। पहले 12 वर्ष का साधारण ब्याज कितना था, 1200 रुपये था, और अब वही साधारण ब्याज बढ़ के हो गया है 2800। क्यों हो गया है, क्योंकि 4 वर्षों के बाद उसने मूलधन को 3 गुना कर दिया है, तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2500 रुपए की धनराशि पर प्रथम 2 वर्षों तक 6% वार्षिक तथा 2 वर्षों के बाद 9% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। यदि वह राशि 5 वर्षों के लिए ब्याज पर लगा दी जाए और आयकर 2500 रुपये से ज़्यादा प्राप्त ब्याज की राशि का 20% हो, ये बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, तो आयकर कितना अदा करना पड़ेगा। चलो पहले तो क्वेश्चन को बांट लेते हैं, एक सेक्शन यहाँ से यहाँ तक है हमारा, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो पहले सेक्शन की बात करते हैं। 25,000 की राशि पर प्रथम 2 वर्षों का ब्याज, तो हम लिखेंगे 2 वर्षों में कितना ब्याज आया, 6%। 2 वर्षों के बाद 9% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है, ओके। 2 वर्ष जब खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद 9% से ब्याज चलने लगता है। यदि वह राशि 5 वर्षों के लिए ब्याज लगा दिया है, 5 वर्षों के लिए लगाने का मतलब है टोटल 5 साल के लिए लगाना है, 2 साल के लिए लगा चुके हो तो बचा कितना, 3 साल। तो आप कहोगे पहले 2 साल में 12% मिलेगा और अगले 3 साल में मिलेगा 9 दिया 27%। टोटल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा कितना, 39%। 5 वर्षों में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 39%। तो 25,000 का 39% सॉल्व करते हैं, देखें कितना आ रहा है। 25,000 का अगर आप 39% निकालोगे तो आपके सामने आ रहा है कि 9,750, ठीक है। अब समझने की ज़रूरत है, ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। आपसे कह रहा है आयकर 2500 रुपये से ज़्यादा प्राप्त ब्याज की राशि का 20% हो, मतलब जो आयकर है वो 2500 रुपये से अधिक जितनी भी ब्याज की राशि है उसका 20% है, मतलब 9,750 में से अगर आप 2500 हटा दोगे तो अब जो राशि मिल रही होगी आपको, सात हजार 250, इसका 20% है आपका आयकर, ये कहना चाह रहा है। 2500 रुपये से अधिक जो ज्यादा, देखो फिर से पढ़ते हैं, आयकर 2500 रुपये से ज्यादा प्राप्त ब्याज की राशि पर, 2500 से जो ज्यादा प्राप्त होगी तो कितनी ज्यादा प्राप्त हुई है, 7,250 का 20% है, इसका 20% निकालो और आंसर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके सामने 1450। और हम कहेंगे ये फाइनल आंसर है आपके सामने, आयकर जो निकल के आया है वो निकल के आया है 1450 रुपये। आई होप अब ये बात आपके सामने पूरी तरह से क्लियर होगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 14। श्री अमीन ने श्री विश्वास से कुछ राशि उधार ली, ठीक है। उसे 2 वर्षों तक 8% पर, 2 वर्षों तक 8% से, अगले 3 वर्ष की कालावधि तक, जैसे 2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम पर 11%, मतलब अगले 3 वर्षों तक 11% पर दी, तथा 5 वर्ष से अधिक समय के लिए 14% पर दी। 5 वर्ष से जो अधिक समय होगा अब उसमें 14% से देगा। श्रीमान विश्वास ने 8 वर्षों के अंत तक ब्याज दिया, तो टोटल सबसे इंपॉर्टेंट है कितने साल उसने लिए, तो 8 साल लिए। 8 साल लेने का मतलब 2, 3, 5, तो बचा कितना साल, 3 साल। यहाँ पे 16 आएगा, ये होगा 33% और ये हो जाएगा 42%। ऐड कर लो जरा इनको कितना आ रहा है, ये हो जाएगा टोटल 91%। तो आप कह सकते हो कि ब्याज जो प्राप्त हो रहा है वो बेसिकली 91% के बराबर है। तो 100% का वैल्यू कितना, आप बेसिक से भी जा सकते हो इसको, समझो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100 इक्वल्स टू 10920। प्रिंसिपल
निकालना है, रेट है 91%, टाइम हम 1 लेंगे क्योंकि ये जो दोनों चीजें निकल के आई है रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू है, तो 91 जो है वो रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पे हम पुट कर रहे होंगे, तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 91 अपॉन 100। फाइनल आंसर देखो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो प्रिंसिपल यहां से हमारे सामने निकल के आएगा दैट इज 12,000। 12,000 अगर मूलधन होगा तब ये सारी बातें पॉसिबल हो पा रही होंगी, उसका 91% 12,920 के बराबर हो पाएगा। देखो यहाँ पे समझना में बेसिकली ये है कि 2 साल, 3 साल और फिर अगले 3 साल, ये ध्यान से रखना है कि 2 साल कितने परसेंट पर गया, फिर अगले 3 साल कितने परसेंट पर गया, फिर बचा हुआ 3 साल कितने परसेंट पे गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी राशि पर प्रथम 2 वर्षों तक 4% की दर से, फिर से सेम क्वेश्चन है देखो, 2 वर्षों तक 4% की दर पर, अगले 4 वर्षों तक 6% की दर पर, पुनः अगले 6 वर्षों तक 8% की वार्षिक दर पर, फिर अगले 6 वर्षों तक भी 8% की वार्षिक दर पर गया है, लेकिन हमें जाना कहाँ तक है, सिर्फ 9 सालों तक, तो 2 + 4 = 6, तो बचा कितना साल, 3, ऐड कर लो 8, 24 और 24, ये हो जाएगा 56% टोटल। 56% में ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 1120, तो 1 यूनिट का मान 20, 1 यूनिट का मान 20, तो 100% का वैल्यू कितना, आप कह सकते हो 2000, और ये आपका आंसर हो जाएगा। हमें देखना है कि साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 1120 है किसके बराबर, 56% के बराबर, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, वो आपका फाइनल आंसर दिखाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ में ही। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 5154 रुपये और 3 वर्षों में 5832 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ओके, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इसको हम ध्यान से करेंगे थोड़ा सा। देखिए कह रहा है मूलधन से 2 वर्ष के अंत में कोई धनराशि 5154 हो जाती है और 3 वर्ष के अंत में 5832 हो जाती है, तो अब आप कह सकते हो कि एक साल में बेसिकली कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 5832 में से 5184 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा एक साल में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है 648 का। अगर एक साल का इंक्रीमेंट 648 है तो 2 साल का इंक्रीमेंट कितना, तो 2 साल का इंक्रीमेंट इसका जस्ट डबल 1296। जब 1296 इंक्रीमेंट होके 5184 पहुंचा है तो प्रिंसिपल कितना होगा, तो माइनस करेंगे 5184 में से 1296 और आपके सामने आ जाएगा 888 और 3, 3888। हाँ ठीक है, 3888 जो है वो आपका प्रिंसिपल बना रहा होगा। अब पूछा क्या गया है, रेट परसेंट, समझो ध्यान से, यहाँ पे दो बातें ही पूछी जाती हैं, या तो पहले बात करेगा प्रिंसिपल की कि प्रिंसिपल कितना होगा, और या फिर उससे आगे बढ़ते हुए पूछ रहा होगा रेट परसेंट कितना होगा। रेट परसेंट जब हम निकालेंगे तो लिखेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब इसमें वैल्यू पता तो हो तब पुट करें, प्रिंसिपल पता है कितना 3888, रेट परसेंट तो हमें निकालना है, टाइम कितना, टाइम यहां से उठाओ, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट। अगर टाइम 1 साल लोगे तो साधारण ब्याज 648 लोगे, टाइम 2 साल लोगे तो साधारण ब्याज 1296 लोगे, ये याद रखना होता है। तो टाइम अगर 1 साल लेंगे तो साधारण ब्याज जो होगा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 648, रखते हैं वैल्यू 3888 मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100 इक्वल टू 648। फाइनल जो वैल्यू आएगी रेट परसेंट वो आएगा 64800 डिवाइड बाय 388 और 8। सॉल्व करोगे तो आंसर होगा 16 से ही 2/3%, ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो रहा होगा। आई थिंक अब ये बात क्लियर होगी कि
इस टाइप के क्वेश्चन में हमें देखना होता है कि प्रिंसिपल तक पहुंचो और उसके बाद फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पहुंचो, आप डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं पहुंच सकते। यही छोटा सा डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। ये क्वेश्चन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में आता तो आप डायरेक्ट यहां से ही चले जाते और बता देते कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा इन दोनों से ही। कहते 5154 का एक साल में इतना हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो, आंसर आ जाता कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर आप होते सिंपल इंटरेस्ट में, आपको पहले मूलधन के पास जाना होगा और उसके बाद इसका आंसर बताना होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 1760 और 5 वर्षों में 2000 हो जाती है। देखते हैं, प्रिंसिपल 2 सालों में 1760 और 5 सालों में 2000 हो जा रहा है, तो आप कहोगे 3 सालों का इंक्रीमेंट है, 3 सालों में कितना बढ़ रहा है, तो 1760 से 2000 हो रहा है मतलब 240 की वृद्धि है। 3 सालों में अगर 240 की वृद्धि है तो 1 साल की वृद्धि 80 और 2 सालों की वृद्धि 160। अगर 160 यहां से कम कर दोगे तो वापस आ जाएगा प्रिंसिपल यानी कि 1600। अच्छा, इसने धनराशि ही पूछ रखी है, धनराशि क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1600। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा होता तो फिर अब आप आगे ही प्रिंसिपल को यूज करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इस क्वेश्चन पर ही बेस्ड है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है अभी ये। चलिए पढ़ते हैं। साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 2.5 वर्षों में 1012, प्रिंसिपल से 2.5 वर्षों में 1012 तथा 4 वर्षों में 1067.20 हो जाती है। ठीक है ये बात, ओके। अब आपसे कह रहा है 1.5 वर्षों में कितना होगा, 1.5 सालों में ये कितना होगा। प्रिंसिपल से, फिर से ध्यान से देखो, प्रिंसिपल से 2.5 सालों में हो रहा है 1012 और 4 सालों में हो रहा है 1067.20, तो अब 1.5 वर्ष बढ़ रहा है तो 1.5 में कितना इंक्रीमेंट, दोनों को आपस में माइनस करोगे तो 1.5 ईयर में इंक्रीमेंट आपके सामने निकल के आएगा 5.20। 1.5 में आ रहा है 55.20 का इंक्रीमेंट, तो 1 यूनिट का वैल्यू डिवाइड बाय 1.5 कर दोगे तो आएगा 36.8 रुपीज। इसी तरह 2.5 ईयर्स का वैल्यू निकाल सकते हो जो कि आएगा 92 तक, या 2.5 सालों तक पहुंचना जरूरी था क्योंकि हमें कहाँ जाना है, प्रिंसिपल के पास। आप जब 92 को इससे माइनस करोगे तब आपका फाइनल आंसर यानी कि प्रिंसिपल आपके सामने होगा, दैट इज 920 रुपये। अब ब्याज की दर आप निकाल सकते हो, साधारण ब्याज जो मन में आ रहा है वो उठाओ यहाँ से, मैं ले रहा हूँ 36.8, बराबर होगा 920 गुणे आर गुणे 1/100। रेट परसेंट का जो वैल्यू होगा वो होगा 3680 डिवाइड बाय 920, कैंसिल होगा, 4 बार जा रहा है एग्जैक्टली, और आंसर हो जाएगा 4%। फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4%। सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको हो रही होगी यहाँ पे कैलकुलेशन वाइज, ये कैलकुलेशन करेक्ट है उसके बाद फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखना है पहले इस टाइप के क्वेश्चन पे हमें पहुंचना है प्रिंसिपल के पास और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ के रेट ऑफ इंटरेस्ट के पास यहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ में। फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया गया है, ध्यान से देखिए अब इसको। कह रहा है 2 वर्ष में 1350 रुपये का साधारण ब्याज उतने ही समय में 1250 रुपये पर साधारण ब्याज से 20 रुपये ज्यादा है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें क्या होगी। समझो क्वेश्चन, समझो पहले। कह रहा है दो अमाउंट थे, एक है 1350 और दूसरा है 1250, ये कह रहा है, ठीक है। कह रहा है टाइम है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए समान है, जो साधारण ब्याज मिला है वो साधारण ब्याज 20 रुपये ज़्यादा है, इसका साधारण ब्याज 20 रुपये ज़्यादा है, तो हम लिख सकते हैं अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होगा तो ये होगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस 20, यही तो है, ऐसे ही तो लिखेंगे इसको। फिर आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो, इसको सॉल्व करना है और आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा।
देखो बेसिक से जाएंगे तो हम लगा पाएंगे इसको, हम कहेंगे कि इसका सिंपल इंटरेस्ट इतना आ रहा है। जैसे कि अगर साधारण ब्याज इसका अपने आप में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो मैं लिख रहा हूँ 1350 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय 2/100, यही तो है सिंपल इंटरेस्ट इसका। और ये सिंपल इंटरेस्ट 1250 गुणे आर गुणे 2/100 से कितना ज़्यादा है, 20 रुपये ज़्यादा है। 20 रुपये ज़्यादा है तो बराबर करने के लिए इस तरफ +20 कर दिया जाए, बराबर हो जाएगा अगर दोनों इस तरफ +20 कर देंगे। और अब आप इसको सॉल्व करोगे और आपके सामने रेट परसेंट का आंसर निकल के आ जाएगा। समझो पहले वाले का ब्याज जो था वो 20 रुपये ज़्यादा था दूसरे वाले से, तो हमने दोनों का ब्याज निकाल लिया और फिर कहा पहले वाला ज़्यादा है 20 रुपये इसलिए दूसरे वाले में +20 ऐड कर दो, तो बराबर का साइन आप यहाँ पे लगाने के लिए रेडी हो जाओगे, है ना। तो हमने 20 रुपये ऐड किया, सॉल्व करोगे और फाइनल आर का वैल्यू आपको आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अब इसको थोड़ा सा लॉजिक से समझते हैं, क्योंकि ये सॉल्व करेंगे आंसर तो हो जाएगा लेकिन फिर से वही है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा। ये देखो लॉजिक देखो, समझो इसको। इस तरह के क्वेश्चन में हमें हमेशा देखना होता है कि डिफरेंस कहाँ से जनरेट हो रहा है। जो ये 20% का 20 रुपये का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, सिंपल इंटरेस्ट का 20 रुपये का डिफरेंस, ये जनरेट कहाँ से हो रहा है। टाइम और रेट तो सेम है तो यहाँ पे तो कोई बदलाव होने की ज़रूरत है ही नहीं। असली जो डिफरेंस है वो प्रिंसिपल पर है, प्रिंसिपल चेंज है इसलिए 20 रुपये की चेंज आ रही है। बाकी सारी चीज़ें तो समान है, दो साल रेट परसेंट रेट परसेंट। तो प्रिंसिपल के बीच में अंतर कितना है, तो आप कहोगे 100 रुपये। अब हम कह सकते हैं कि ये 100 रुपये का 2 सालों में आर परसेंट के रेट से इंटरेस्ट कितना होगा, 20। तभी तो ये 20 रुपये ज़्यादा दे रहा है, 100 रुपये जो दे रहा है डिफरेंस इन दोनों के बीच में, इसी की वजह से ये 20 रुपये का अंतर जनरेट हुआ है। तो हमें समझना होगा, हमें समझना होगा यहाँ पे कि 100 रुपये आर परसेंट से 2 सालों का इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 20 रुपये है। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10%। अब आप खुद समझिए कि आपको कौन सा तरीका चूज करना है, या तो आप इस तरह चले जाइए और या फिर आप ये वाला मेथड यूज करके भी जा सकते हो। लेकिन फिर से वही बात है, इस मेथड में आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा। हमें समझने की जरूरत है कि वो 20 रुपये का डिफरेंस जो जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से जनरेट हो रहा है। वो डिफरेंस मूलधन में 100 रुपये की चेंज है उसकी वजह से आ रहा है, तो हमने उसको ही लेके अपना आंसर बनाया। अगले 2 क्वेश्चन सेम इस पे ही बेस्ड हैं, तो और अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है ₹600 पर साधारण ब्याज 30 रुपये बढ़ जाता है जब ब्याज में 4% का बदलाव होता है। देखो ध्यान से, यदि 600 रुपये प्रिंसिपल यहां पे है, 600 बेसिक मेथड बता रहा हूं, साधारण ब्याज 30 रुपये बढ़ जाता है, 30 रुपये साधारण ब्याज बढ़ जाता है डिफरेंस 30 का, जब ब्याज दर में 4% का बदलाव होता है। मतलब ये है आर परसेंट, तो यहां पे कितना है आर +4%। टाइम दिया नहीं है तो टाइम हम मान लेते हैं 1 साल या 1 साल। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन है कि ये 30 रुपये की जो वृद्धि हो रही है ये बेसिकली किसकी वजह से हो रही है। प्रिंसिपल तो समान है, टाइम भी समान है, तो चेंज किस में आ रहा है, रेट में चेंज आ रहा है। तो हम सीधे इसको ही उठाते हैं कि 4% की वजह से ये 30 की वृद्धि हो रही है। तो आपसे पूछा क्या गया है, अच्छा समय पूछा गया है। ओके, समय पूछा गया है तो यहाँ से 1 हटाते हैं, टाइम हमसे यहाँ पे पूछा गया है, तो हमें निकालना है कितने सालों में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही होंगी। देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, मैं सीधे लिखूंगा 600 का 4% बढ़ाने पर कितने समय में ये 30 रुपये हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, टी इक्वल टू आ जाएगा 30/24, कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 1/4 साल, मतलब 1 साल 3 महीने, या आप कह सकते हो 1/4 सालों में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही होंगी।
अब फिर से वही दो चीजें थी कि या तो आप इसको बेसिक से पूरा जैसे पिछला क्वेश्चन हमने लगाया था वैसे चले जाओ, और या फिर ये वाला मेथड समझो और इसके थ्रू जाओ। देखो कि चेंज किस में आ रहा है, चेंज है रेट में, तो बेसिकली रेट को पकड़ के आप अपना आगे बढ़ सकते हो कि 600 का 4% कितने साल में 30 रुपये बनाएगा, और आपका आंसर जो आया है वो आया है 1 सही 1/4 साल, 1 सही 1/4 साल में 630 रुपये बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इस पे ही बेस्ड है। देखो फिर से कह रहा है, मोहित को पता चलता है कि उसकी वार्षिक ब्याज की दर 8% से घटकर 7 सही 3/4 हो जाती है। पहले ये थी 8%, घट के हो गई 7 सही 3/4%, डिक्रीज हो गई है। होने पर उसकी वार्षिक आय में इतने रुपए की कमी आती है, तो बेसिकली कितना कम हुआ है? तो आप कहोगे 8% था, 1/4% कम हुआ है, तब जाके 7 सही 3/4% हो गया है। या दशमलव में देखना चाहो तो कह सकते हो कि 7.75% कितने की कमी आई है, तो 0.25 की, ठीक है ना। अब आप कहोगे कमी कितने की हुई है, तो 1.4% की, जो कि बराबर किसके है, 61.50 के। तो 1% का वैल्यू कितना, कहोगे 61.5 × 4। फिर आंसर क्या पूछ रहा है, पूंजी बता दो, यानी कि 100% का वैल्यू बता दो। 100% का वैल्यू निकालने के लिए 61.50 × 4 × 100 सॉल्व करो, ये देखो आपका आंसर कितना आ रहा है, और ये आपको आपका फाइनल आंसर दिखा देगा, 61.50 × 4। फाइनल आंसर है आपके सामने 24,600 रुपये। इतना होगा मूल, जिसमें कमी हो रही होगी 61.5 रुपये की। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम आपसे कह रहा है, एक राशि 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों, 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों एवं 2% वार्षिक ब्याज की दर से 10% पे साधारण ब्याज का अंतर। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रिंसिपल सेम दे रखा है दोनों जगह। फिर कह रहा है 3% की दर से 4 वर्ष और 2% की दर से 5 वर्ष का जो अंतर है वो दिखाया गया है 150। तो है कितना, बेसिकली आप कहोगे कि ये 12% है और ये कितना है, 10%। दोनों के बीच का एक्चुअल अंतर है कितना, 2%। और हम कह सकते हैं कि अगर 2% दिखा रहा है 150 रुपये को, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 75 रुपये, और इसी के साथ 100% का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 7,500 रुपये, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर कि 100% का वैल्यू है 7,500 रुपये। वह धनराशि जो है वो 7,500 होगी। 7,500 रुपये ऐसी धनराशि है जिसमें 3% से 4 वर्षों का साधारण ब्याज निकाला जाए और 2% से 5 वर्षों का साधारण ब्याज निकाला जाए, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा होगा, दैट इज 150, 150 रुपीज आ रहा होगा। आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि जो डिफरेंस दोनों जगह सिंपल इंटरेस्ट में जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से जनरेट हो रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल समान है लेकिन रेट और टाइम दोनों जगह चेंज है, रेट और टाइम चेंज है, तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि रेट और टाइम ही यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को चेंज कर रहे हैं। तो दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने, टोटल इंटरेस्ट निकाल लिया, इतना परसेंट डिफरेंस देखा और अपना फाइनल आंसर बता दिया। ओके, लगभग हमने सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक बेसिक चीज़ें कवर कर ली हैं। अभी यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट वगैरह पे अच्छे क्वेश्चन यहाँ जनरेट होते हैं जो कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में ले रहे होंगे। साधारण ब्याज मैंने अभी आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक बताया है, अभी और चीज़ें होंगी इसमें लेकिन वो सारी की सारी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में हम ले रहे होंगे, ताकि आपको कंपाउंड और सिंपल को मिला के पढ़ाया जाएगा, जिससे समझ में आएंगी और चीज़ें क्लियर होंगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन कराता तो फिर बात अलग होती, जब वहाँ दोनों को साथ में कराऊंगा तो आपको एक साथ दोनों चीज़ें क्लियर होंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरह से क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है जब आए। बेसिक क्लासेस यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की ख़त्म होती हैं, कल से हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहे होंगे और अगले 4 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं, तो बिल्कुल साथ में लगे रहिए और 4 दिन में कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए, और
इसका सीट मैं कल कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास के टाइम पर ही आपको दे रहा हूँगा, या मैं ट्राई करूँगा कि कल या परसों इसमें ही एक दो दिन के बाद में डाल दूँ। इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसको एक दिन के बाद डाल दूँगा, क्योंकि अभी टाइप नहीं हुआ है, कल तक वो टाइप हो जाएगा, तो कल मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप आके कल दोबारा से चेक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।